बड़े धूमधाम से मनाया गया अमृत महोत्सव। झांसी जनपद के पारीछा में आज पारीछा परियोजना के अंतर्गत अमृत महोत्सव मनाया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर मुख्य अतिथि CGM के सचान द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर कई प्रभारी धर्मवीर भारती कमांडेंट एवं सहायक कमांडेंट BP यादव तथा प्रबंधक के अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। और इसकी अद्भुत एकता सामंजस्य और सहकारिता बहुत ही अच्छे तौर पर व्यक्त कर दिनांक 24/1/2022 से 23/2/2022 तक लगातार 149 दिनों तक उत्पादनरत रही थी, जिसके लिए आप सभी अधिकारी एवं कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। परीक्षा तापी विद्युत परियोजना ने ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किया है। परियोजना परिसर में पारंपरिक लाइटों को ऊर्जा दक्ष लाइटों से बदलने का कार्य पूर्ण हो गया है, इससे विशिष्ट सहायक खपत में उल्लेखनीय कमी आई। बच्चों विभिन्न स्कूल से पधारे शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन शुभकामनाओं के साथ इस राष्ट्रीय पर्व की बधाई देता हूँ। मेरे साथ मैं तिरंगा ही आन है, तिरंगा ही शान है, तिरंगा ही हम हिंदुस्तानियों की पहचान है। आज़ादी की इस लड़ाई में अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भाग लिया, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, शहीद बगीचा उपलब्ध कराया जाने हैं। प्रस्ताव अनुमोदन की प्रक्रिया में है, जिसके प्राप्त होते ही उपभोक्ता को भी चेक करा दिया जाएगा। परिचाता की परियोजना को विश्व युवा कौशल दिवस 2022 के अवसर पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान झांसी द्वारा सर्वाधिक शिक्षकों को नियोजित करने के लिए एवं कार्य एवं मिछौरा में दाह संस्कार मैदान की बाउंड्री वॉल का निर्माण कुल 38.7 लाख की धननिधि से कराया गया है। परियोजना के क्षेत्रीय गाँव में समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाए जाते हैं एवं दवाइयां वितरित कर समग्र सामाजिक स्वास्थ्य मिशन में नागरिकों को सहायता पहुंचाई जा रही है। विगत वर्षों में इसे और ये देखिए तो आकाश की ऊंचाई को छोड़कर भारत का प्रतीक लगाने के लिए मुक्त होकर चल पड़े हैं। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट से इस पल को सुशोभित किया जाएगा। एक बार पूरे दीर्घा में तत्पश्चात मुख्य महाप्रबंधक द्वारा मंच पर आकर 76वें स्वतंत्रता दिवस पर उपस्थित प्रांगण में समस्त महानुभावों देश के भविष्य के रूप में संबोधित 50 मेगावाट हो गई है, जिसमें से 50% से अधिक भाग साफ विद्युत ग्रहों का है। आज देश में सुपर थर्मल प्रोजेक्ट लगे हैं, जिससे देश विदेश में बहुत ही तेज गति से और हो रहे औद्योगिकीकरण के साथ ठीक विकास हुआ है और आगे भी ये विकास जारी रहेगा। जैसा कि आप सभी अवगत हैं अपनी जगह